कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोन आने के बाद बिहार में सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बुलाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार सहित सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। बता दें, बिहार में जब से महागठबंधन सरकार आई है तब से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटका हुआ है। कांग्रेस लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रहा है। इसी के लिए कांग्रेस जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करना चाहती है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने संभवतः नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात की है। दरअसल क्या है, पिछले दिनों जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, उसके पहले तीन बैठक हो चुकी थी, चौथी बैठक थी। जैसा मीडिया के मित्रों से या सूत्रों से पता चला कि नीतीश जी नाराज हैं, नाखुश हैं और गुस्से में हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी आया कि नीतीश जी गुस्से में नहीं हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नीतीश जी वास्तव में गुस्से में हैं? तो राहुल गांधी जी ने उनको गुस्से को कम करने के लिए फोन किया, न कि कोई बात है विशेष बात। विशेष बात यही है कि नीतीश कुमार जी नाराज हैं, उनको मनाया जाए, क्योंकि गठबंधन में कोई भाग जाएगा तो कमज़ोर पड़ेगा, मैसेज खराब जाएगा। कांग्रेस किसी को आज तक न दिया है न कुछ देगी। ये केवल है नीतीश जी को फंसा के रखना।